I live inside my own world of make-believe. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के व्लॉग में अगर थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता होगा, जी हाँ, FZ और बुलेट का दोनों का ही भाई इंजन हो गया है ब्रेक डाउन, समझ लो, या हाफ इंजन का काम होना है। और FZ का पहले भाई हाफ इंजन का होना था, फुल इंजन का होना है। तो भैया भाई किस्मत ही ख़राब चल रही है। और FZ का समझ आता है यार, क्योंकि उसका मैंने ज़्यादा चला थी, पता नहीं चला, जो मैकेनिक ने कहा है मुझे, इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था उसका और मैंने उसको सूखा ही चला दिया, पता नहीं लगा उसका। चलो ठीक है, उसको चला दिया होगा ज़्यादा, पर इसका क्या भाई, इसका क्या है, इसको तो भाई नॉर्मल 3000 में सर्विस जो देते हैं वो दे रहा हूँ, नॉर्मल चल रही है ना, इधर उधर लेके गया इसको मैं, ये बैठे बैठा है भाई आराम से ख़राब होगी, ये समझ नहीं आया, ये ना ही मैकेनिक को समझ आ रहा है। उनको भी दिखाया मैंने तो वो भी कह रहे हैं भाई इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने सर्विस की तो इसमें भाई इंजन ऑयल था ही नहीं बिल्कुल भी, और धुआं तो नहीं छोड़ रही है ऐसे, पर अगर ज़्यादा स्पीड देता तब छोड़ते ही जाके, मतलब इंजन ऑयल इसका अपने आप ही ख़त्म हो जा रहा है। तो वही है यार भाई, अब कंपनी में दिखाया और मेरे दोस्त का भी हुआ था, मैंने ख्याल से वीडियो डाला यार, मेरे को याद नहीं यार, उनका भी उसका भी हुआ था। तो भाई उस समय उसका इंजन का काम तो था वो भाई 35000 लग गए थे उसके, भाई 35000 वो होता है। तो उनसे मैंने, जहाँ से मैं सर्विस कराता हूँ आपको पता ही है, तो उनसे पता किया था, वो भाई वो भी बोल ही रहे हैं, मतलब 22 से लेके उसके आगे भी जा सकते हैं, मतलब मिनिमम कह रहा 22 तो लगेगा ही लगेगा। तो अब देखते हैं, उनसे बात की मैंने, कह रहे कि पहले खोल के देखते हैं कि इंजन का कुछ हो सके तो, मतलब एक और चीज़ बताइए, अगर वो चीज़ सही होगी तो वो बैरिंग वगैरह नहीं बदलेंगे, आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा मैं क्या चीज़ है। और ये वीडियो बनाने का मेरा कारण भी यही था कि भाई, जैसे आप कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है इंजन, मतलब आपका भी हाफ इंजन का काम होता है बुलेट वगैरह में, तो आप ज़्यादा पैसे नहीं लगा के कम में हो सकता है आपका, वो अभी आज दिखाऊँगा मैं आपको, जहाँ से कराता हूँ वही है, उनसे देखेंगे पूछेंगे कि क्या कर लेंगे, वो कह रहे कोशिश तो रहेगी कि कम में हो जाए, देखते हैं फिर आपको दिखाऊंगा, अगर कम में हो तो बता दूंगा ऊपर से क्या है पूरा, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका भी कुछ होता है ऐसा, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका ज़्यादा पैसे लगने से बच सकते हो, क्योंकि कंपनी में भाई ये है कि जो पार्ट हल्का सा भी अगर इतना सा भी हो रखा ना, वो चेंज है बिल्कुल बिल्कुल चेंज, नहीं भी है तो वो भी चेंज ही करते हैं पूरा, देखते हैं। मेरे को भी कुछ पार इसके बारे में पता नहीं है, तो वहीं पहुँच के देखते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ रुक के और आप कंडीशन देख लो एक बार, आज मौसम भी ख़राब है, बारिश ना हो जाए यार, तो काफ़ी भाई रस्ट वगैरह पकड़ लिया है इसने, रस्ट क्या है मतलब मिट्टी लगी, क्योंकि बारिश का मौसम था तो मैंने भी करवाया नहीं और काम भी करवाना ऐसा, इसलिए यार थोड़ा छोड़ ही दिया इसको, डिले कर दिया, बाकी देख लो काफ़ी गंदी हो रही है। और बाकी हाँ, इसमें आवाज़ आ रही है, इसकी वजह से पता लगता है कि भाई आपका इंजन ब्रेक डाउन है, तो वही दिखाते हैं जाके। ऑटो में हेलमेट सही लग रहा भाई, देख रहे, अरे आपको दिखेगा नहीं, मैं नीचे कर रहा हूँ ना, हाँ नीचे करके सही लुका रहा, पीछे होंगे दिख रहे हैं। और भाई जिसने हेलमेट नहीं देखा होगा तो यहाँ लिंक आ रहा होगा, देख लेना कि कैसे बनाया मैंने वाला हेलमेट जिसमें लगा रखे हैं, तो वो देख लेना। तो भाई बस पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं, और एरिया अवॉइड ही करना है यार, एरिया का भाई बुरा ही हाल है, क्या बताऊँ, रोज ही खोद देते हैं भाई जमीनें, तोड़ देते हैं सड़कें, समझ नहीं आता इतना अच्छा एरिया वो क्यों ख़राब कर रहे हैं, बस हमें एरिया से मतलब नहीं, हमें अपना काम अच्छा होना चाहिए, तो एरिया को अवॉइड ही करो यार। अभी भाई ठीक है, बारिश नहीं है, नहीं तो भाई बुरा हाल था, यहाँ से आओ फिसलते फिसलते जाओगे, बुरा हाल हो जाएगा आपका, बाइकें तो खड़ी हैं काफ़ी, अब देखते हैं भाई नंबर लग जाए बस अपना, मैं लगा दूँगा, मैं लगा देता हूँ।
अंकल बैठ रहे थे अपने बढ़िया से, वहाँ ये लगाया तो कैसे हो? बढ़िया क्या प्रॉब्लम है, बाकी डिस्टर्ब नहीं करते भाई, जब लास्ट में हो जाएगा काम फिर आपको बताऊंगा क्या क्या सारा काम हुआ है। फाइनली काम हो गया और यार सॉरी भाई आज माइक नहीं लायक तो आवाज थोड़ी देख लेना यार, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पाएगी। और हाँ काम हो गया भाई, रान भाई ने करवा दिया काम और बच गया भाई जो बोल रहा था मैंने को हाफ इंजन का काम था, अहमद भाई भैया ने बहुत अच्छा काम किया तो उन्होंने अपनी मेहनत करके तो फिट कर दिया। अब रान भाई से सीधा पूछता हूँ भाई, दिनों मेरे को है नहीं क्या क्या काम हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो अब रान भाई से बात करते हैं। रान भाई क्या काम था मेरे में और क्या क्या उसमें रिपेयर किया आपने? ऑयल उठा दी थी। हाँ तो इंजन ऑयल उठा रही थी, उसके पिस्टन के रिंग कट गए थे। ठीक है, हाफ इंजन काम में, हाफ इंजन काम था तुम्हारा कि हेड के वाल वगैरह सब बदलने थे, वाल सील वगैरह और क्या नाम है हेड का रिपेयर होने के लिए ग्रैंड होना था और क्या नाम सिलेंडर किट का मसला पड़ रहा था आपका, वो आपने करवाया नहीं तो आप मेरा, मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपके मैंने सिलेंडर किट खोली थी उसका पिस्टन अपने अपनी जगह पे सही था, तो उसके ना रिंग कट के चक्कर में ना आपका ऑयल उठा रही थी गाड़ी। सर्विस सेंटर जाता कितने लगते, पूरा चेंज करते? सर्विस सेंटर जाता तो पूरा ही चेंज करते, सिलेंडर किट चेंज करते, 8,500-9,000 रुपए की सिलेंडर किट आ रही है, बाकी उसके लेबर चार्ज ऑयल वॉयल सब कुछ चेंज करते हैं वो। टोटल मिला के 30,000 मेरे अंदर बैठता है आराम से, 20-25 के करीब बैठ जाता है, बैठ जाता आराम से। हाफ इंजन का खर्चा बैठा लेते वो, यहाँ पे फुल इंजन हो जाएगा तुम्हारा 20-25,000। इसमें A to Z सामान डल के ओरिजिनल, और इसमें आपने मेहनत की अंदर खोल के देखा है और आपने जितना हो सके उतना बचाया है। हमने कोई बोर नहीं करा ना कुछ करवाया, हमने सिर्फ और सिर्फ पिस्टन के रिंग डाले हैं और हेड के वाल ग्रैंड करवाए दोबारा से बस। ये भी बता दो कोई जुगाड़ वाला काम नहीं हुआ? कोई जुगाड़ वाला काम नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ ओरिजिनल हुआ, इनके सामने हुआ, इनके सामने सामने इनके घर घड़ों के काम करवाया। और जो डलना था वही डला है, ये है कि अगर नहीं भी डलता तो जान भाई बोलते पूरा नया ही डलेगा, ना भी होते पीठ पीछे भी होते तब भी हमें वही काम करता जो होना था, इनसे बता देता है कंफर्म करके। और किसी दुकान में जाते थे वो क्या बोलते पूरा चेंज करो? भाई देखो मैं किसी के बारे में कह नहीं सकता कि वो कहता पूरा चेंज करो, मेरे को मेरे साथ हुआ है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। भाई देखो अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है लोग भाई, हम अगर हम भी बताते हैं, हम भी हमारे पास भी कोई आएगा तो हम भी बताएंगे भाई इसमें हाफ इंजन होगा इसका खर्चा आएगा, दरअसल बताना जरूरी होता है उसका जब खोलेंगे हम। मैं ये जरूर बताता हूँ भाई, पहले जब एस्टिमेट दे दिया तो ये मतलब नहीं कि लगने लगना है उतने रुपए, आप गाड़ी खुलवाओ, खुलवाने के बाद जो बचा सकेंगे वही बचाएंगे। अब हम भी कोई वो तो है नहीं, अभी मैकेनिक है अंदर खाने अंदर थोड़ी देख लेंगे, डॉक्टर का जाओगे वो टेस्ट ही तो कराएगा पहले, सही बात है, उसके बाद ही तो काम करता है उसकी आपको बीमारी क्या है। अब हमें पता है नहीं कुछ भी, अंदर खोल दिया हमने और बता दिया एस्टिमेट 25, तो इंसान भाग जाता है कस्टमर 25,000 रुपए लग रहे हैं 20,000 रुपए लग रहे हैं छोड़ के भाग जाता है, नहीं हमें नहीं कराना हम कहीं और जाए, वहां जाके फंस जाता है बंदा, वो अपना खुलवा लेते हैं गाड़ी काम करवाते हैं वेट पैसे वहीं पहुंच जाते हैं सारे घूम फिर के, कहीं से भी लगा लो आप कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ो, हमें कि डायरेक्ट बता देते हैं वो गलत करते हैं हम बस। ना ना भाई सही है भाई, और ये है कि रहन भाई ने बता दिया और इतनी मेहनत कोई करता नहीं खोल के जो देखने वाली आपने किया, सुबह से लगे हुए हैं अभी सुबह से लगे, अब जाके अभी कितना टाइम हो गया, कितना हो गया 4 बज गए भाई, सुबह आया था देखो मैं सुबह से 9-10 बजे करीब आए थे और अब हो गया, वही है भाई मेहनत लगती है इसमें। तो गाइस भाई था यार आपको मैंने बता दिया कि भाई और जगह मैंने पूछा था वो सीधा बोलते हैं भाई हाफ इंजन का काम जो होगा वो पार्ट मंगा लो हम सीधा डाल देंगे, तो यहाँ ये होगा मेरे को कि थोड़ा ये है कि भाई देख लिया
अहमद भाई ने, अहमद भैया जो मैंने आपको बोलता रहता है, अहमद भैया जो है यहाँ पर मेन हेड है जो जो काम करते हैं यहाँ पर, तो उनसे मिलना भाई, वो अच्छे तरह का काम करेंगे और बहुत मेहनत का काम है। तो उन्होंने मेरा काम बना दिया, नहीं तो भाई मेरे अच्छे खासे बहुत पैसे लग जाता, काफी इंजन से होते होते फुल इंजन का काम आया था। अब देखते हैं भाई, कोई दिक्कत आने नहीं वाली, चला के देखते हैं भाई। बाकी एफजेड का भाई वही है कि फुल इंजन है, वो भी देखेंगे, प्राण भाई से पूछेंगे, मुझे लगता नहीं उसमें हो पाएगा, उसका तो फुल इंजन का ही काम होगा। ठीक है, 500 किलोमीटर में आता फिर है ना। हाँ भाई यही है, एफजेड तो बंद ही पड़ी है, यही चलाऊंगा, भगवान करे दिक्कत ना आए। और बाकी सर्विस कराने 3000 में ही है ना, उससे पहले। ठीक है शिदान भाई, मिलते हैं यार, बढ़िया हो गया काम। ठीक है भाई, ठीक है रियान भाई, आता हूँ ना, आओ तो ठीक है, सर्विस में ही आऊँगा बस, और ना आऊँ, अब ऐसा काम हो सर्विस कराने तो आ जाऊँगा, सर्विस कराने आऊँगा, और के लिए नहीं आऊँ बस। हाँ तो चलाई कहाँ थी इतनी, चलाने में तो चाहिए। ठीक है अहमद भाई, थैंक यू यार करवाने के लिए, उसका भी बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, हेलमेट पे कितने तगड़े वाले, जब भी यहाँ आना होता ना भाई, हमेशा यहीं से जुड़वाता हूँ मैं, मुझे अच्छे रहते हैं और प्रेशर इनका अच्छा है, मेन बात है प्रेशर है। मेरे घोड़े बेचारा पागल हो रहा है यार, बंदे बंदे इनको फोन खोले, भीड़ ना हो बस, भीड़ तो नहीं लग रही, बस पे दरवाज ये बंद ना हो, बंद क्या चक्कर ऊपर है, चलो खाली है भाई, सीधा अंदर ही लगा दी, भीड़ नहीं थी, बढ़िया रहा, मैं भाई को बोलूँगा तरीके से बोलेगा। वॉश होकर निकलती है, ठीक है गाइस, वॉश करा लिया यहाँ से, और जब भी आता भाई इस साइड में मदनगिरी साइड, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉश होती है, बट ये है कि भाई गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ पर आपकी, तो गाड़ी आने की दिक्कत रहती है, बाइक आ जाती है, तो बाइक जब भी एफजेड लाता हूँ और बुलेट लाता हूँ यहीं वॉश करवाता हूँ। देख लो भाई क्या चमकाई है और क्या इंजन की हालत थी, क्या हो गया, बस जगह की दिक्कत है भाई, जगह काफ़ी कंजस्टेड है, देख लो कहाँ लगाई है उन्होंने बाइक, क्योंकि है ही नहीं जगह ही नहीं, गाड़ी की दिक्कत है। बाकी भाई बुलेट तो एक नंबर की चमका दिया, तो करते हैं भाई लोग को एंड यहीं पर, और गली देख लो भाई कितनी तंग है, यहाँ से आना पड़ता है अंदर, और आज मोहरम है ही वैसे, तो भीड़ हर जगह हो ही रही है। सो गाइस यार, मैं कल ज़्यादा लेट हो गया था वॉश कराने के बाद, तो अंधेरा हो ही गया था यार, तो उस समय शूट नहीं कर पाया, अब आया आपके पास, और काफ़ी लंबी मेरे को पता है भाई वीडियो खींच चुकी है, तो इसको भी जल्दी जल्दी निपटा दे, तो आपको दिखाना था भाई, ये देखो होने के बाद कुछ ऐसा लग रही है, और भाई चला के जो फीलिंग आई ना बीच में भाई, काफ़ी अंधेरा हो गया था, मतलब उस समय मैंने इसको चलाया भी था अच्छी तरीके से, तो अच्छी चल रही थी, वो वाले शॉर्ट्स ऐसा नहीं डाल पाऊंगा इसमें मैं, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है डालने का। और बाकी भाई सही रहा है रिस्पॉन्स अपना वगैरह, मतलब इंजन सही रिपेयर हो गया, तो सही रहा भाई, ये देख लो पूरी कंडीशन देख लो, बढ़िया रही है। सो गाइस एक और बात बतानी थी आपको कि इसको इसमें डला क्या है, तो इसमें भाई पिस्टन की रिंग वगैरह थी, वो समय आपको नहीं समझ आया, वो तो लास्ट ने बताया था आपको, इसमें भाई पिस्टन था, इंजन खोला हाफ इंजन का काम था, तो जो पिस्टन खोला था जो मैंने हल्का सा आपको दिखाया था, रिंग जो थी उसकी वो चेंज किया है अहमद भैया ने, और इसका थोड़ा ग्राइंडिंग वगैरह किया है, और अपना लेबर था, इससे भाई मेरा इंजन परफेक्ट हो गया, और ये चीज़ मैंने बार वगैरह पूछी तो भाई वो कह रहे थे सब कुछ चेंज होगा, मतलब हाफ इंजन का पूरा काम ही होगा आपका, तो सही है भाई, काफ़ी पैसे बच गए तकरीबन अभी तक मेरा सर्विस से लेकर, क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने सर्विस भी कराई थी इसकी, तो उसमें पता लगा था, कुल मिला के मतलब मेरा इसमें टोटल अभी तक मेरे पास 6000 का खर्चा आ गया, और इसमें तो खैर कम ही आया था, इतना नहीं आया था, सर्विस को सब कुछ मिला के अपना इतना लगा था 6000 में, मतलब मेरा होगा नहीं तो भाई आराम से 20 से ऊपर ही, तब तक आपको बता ही रखा था मैंने, और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई अगर आप अपना करवाना जा रहे हो बुलेट का काम आपका, अगर आपको हाफ इंजन का काम है तो किस तरीके का होता है भाई, उल्लू कटने से बच सकते हो आप, ये वीडियो देख के जाना और उनको बता देना भाई, अगर ये हो सकता है, अगर आपकी रिपेयर हो सकती है, रिपेयर नहीं बोल, जुगाड़ वाला काम भी नहीं हुआ भाई, ये कि पूरा डला है, अगर जो चीज़ ख़राब है वही चेंज करो, सारी चीज़ ना चेंज करने से बच सकते हो, मतलब सारी चीज़ चेंज करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट जाएगी आपकी, जो चीज़ ख़राब थी उन्होंने वो चेंज कर दिया, मेरे भी अगर वो विश्न वगैरह ख़राब होते तो वो भी चेंज होते तो ज़्यादा कॉस्ट जाती, तो ये भाई इस वीडियो को देख के जाना, और
अपना टाइम बचाना और अपना भाई थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा आपको क्या रहता है। और भाई कमेंट करते हो इतने ज्यादा वीडियो बहुत लंबी खींच रही है, कमेंट करते हो कि भाई 500 क्या माइलेज देती है, देती है भाई देख लो कितना खर्चा कराती है। तो इसलिए मैं कभी लगाते नहीं, ना माइलेज लगाता हूँ इसका ना भाई वो लगाता हूँ इसका खर्चा वगैरह गिनते। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक भाई मोज लो, नहीं मिले तो खोज लो और खोजो जो।